की भाषा के माध्यम से हम अपने भावों को अभिव्यक्त कर सकते हैं, और वह भाषा कोई किसी की तो होती नहीं। और तो जब से हमने सुनी, पढ़ी या और कुछ भी लिखा, उसके माध्यम है वो। उस माध्यम तक पहुंचने के लिए हमारे एक साधन है, और उस साधन के माध्यम से ही हम आगे जा सकते हैं। इसलिए जो कोई भी व्यक्ति अपने भावों के अभिव्यक्ति करता है, अब इंग्लिश में एक गड़बड़ी हो रही है या नेताओं के द्वारा भी गड़बड़ियाँ हो रही हैं, वो ये है, इंग्लिश में ही शोध प्रबंध लिखा जा सकता, लिखना चाहिए। तो ये जब ये विषय आ गया, ये तो गलत सिद्ध हो गया, क्योंकि अभिव्यक्ति करना है अपने भावों के, अपने अध्ययन मनन की जो किया है, उसके लिए इंग्लिश को ही क्यों लाया जाए, जिसकी मातृभाषा इंग्लिश नहीं है, वो सारे सारे अध्ययन उसने अन्य भाषा में किया है, तो उसका भाषा के माध्यम से ही अभिव्यक्ति हो सकती है, ये तो कोई चीज सही नहीं मानी जाएगी। पत्रकार तो नहीं, एक पत्रकार थे, वो वैदिक जी, वैदिक जी, वैदिक जी, हाँ, तो उनकी उनकी एक थीसिस है ना, एक प्रचुर प्रबंध लिखा गया, शिक्षा जो संबंध है, भाषा और शिक्षा का संबंध, और उसके बिगड़ने से क्या गड़बड़ हो रही है। ये तो ये पहले सर्वप्रथम इंग्लिश माध्यम से इन लोगों ने प्रतिभा सदी को सामने लाने का प्रयास किया, फिर बाद में हमने सोचा कोई बात नहीं, अभी तो इनको बोलना नहीं। तो जब उसकी व्यवस्थित हो गया कार्यक्रम, तो हमने कहा ऐसा नहीं, जिस भाषा में ये पढ़ रहे हैं उसी भाषा में इनको माध्यम भी बनाना चाहिए, तो हिंदी के माध्यम से कर लिया। कई लोगों ने इसको अच्छा नहीं माना, लेकिन आज उसके जो है नंबर नहीं मिल रहा है, प्रवेश के लिए है ही नहीं, ऐसा स्थान ही नहीं, इस प्रकार हो गया। तो वस्तुतः हमें क्या सिखाना है वह महत्वपूर्ण है, किससे सिखाना है ये महत्वपूर्ण है, पर मातृभाषा को छोड़ करके हम अभिव्यक्ति कर भी नहीं सकते। आप देखो, जब कभी भी आप बोलते हैं उस समय इंग्लिश में बोलेंगे, किंतु पहले शब्द आएगा हिंदी आपका, यदि हिंदी में हिंदी पत्रकार है तो इंग्लिश कैसे आ सकता, नहीं आ सकता। आपने कभी स्वप्न देखा इंग्लिश में? स्वप्न देखा है इंग्लिश में? नहीं देखा, तो अब उसको क्यों बना रहे, जब हिंदी में स्वप्न आ जाते हैं, तो उसी प्रकार ये है, अनुवाद कोई वस्तु है तो